good morning i'm rifat masudi from boys middle school karihama our subject is english and today i am going to teach you the topic birbal Device. it is the second lecture of this topic Kal पढ़ा था कि सूर्य सिंह जो है उसने उस घोड़े को कहा कि आ, आ, आप आप घोड़े से नीचे उतरो अब हम जिस जगह पे हमें जिस सिटी पे हमें पहुंचना था वहाँ हम पहुंच गए अब आप घोड़े से नीचे उतरो द मैन लुक सरप्राइज वाई आई शुड गेट ऑफ द हार्स आस कर ये उससे कहता है ये चौंक गया और उससे कहता है कि आप मुझे क्यों कह रहे हो घोड़े से उतरने के लिए मैं क्यों उतरूँगा घोड़े से द्रन्स एक्सप्लाइड पोर्ट एक्सप्लैन पोलाइटली नाव डैट वी हैव रीच दिटी वी शेल हैव टू गो अवर डिफरेंट वेज अब ये उससे कहता है ये उसे जवाब देता है समझाता है कि अब हम उस शहर में पहुँचे हैं अब हमारे रास्ते मुख्तलफ हैं आई एम स्टेंगर मैं यहाँ रुका हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे देर हो जाए यू मे गो वेर यू लाइक आप वहाँ जा सकते हो जहाँ आपको जाना है वाज़ द रिप्लाई इस बूढ़े ने जवाब दिया आई एम नॉट स्टॉपिंग यू मैं आपको नहीं रोक रहा हूँ बदगे उम्मी मई हार्स फर्स्ट सैड सूर्य सिंह से कहता है कि लेकिन मुझे मेरा घोड़ा वापस चाहिए योर हार्स डू यू से इट इज़ यर्स आपका घोड़ा क्या आप कहते हो कि यह मेरा घोड़ा है ये तुम्हारा नहीं है ऑफ कोर्स डू सूर्य सिंह ने जवाब दिया हाँ कोर्स बेशक इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है मेरा घोड़ा है यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ काइंड मैन वाज द आंसर इस बूढ़े ने इसको जवाब दिया कि आप शराफत का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ ये मैंने आपको एक तो रास्ता दिखाया अब आपके उल्टा मुझे कहते हो कि ये मेरा घोड़ा है यू आर हार्स यस माइन सैर द मैन सूर्या सिंह इसे कहता है कि आपका घोड़ा है उसने कहा हाँ बिल्कुल ये मेरा घोड़ा है बिफोर ही कोड राइड अवे सूर्य सिंह अगर वो बिफोर ही कोड राइड अवे घोड़े से उतरने से पहले ही सूर्य सिंह ने किया इसने इसकी लगाम पकड़ ली घोड़े की लगाम पकड़ ली और कहा लेट्स गो टू दज ही सैड अब हम जज के पास जाएंगे चलो अब हम जज के पास जाते हैं द टू कैम टू बीरबल ये दोनों बीरबल के पास पहुँचे वैन बीरबल सा दैम ही आस्कर सूर्य सिंह वट ही कोड डू फॉर हिम मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ ही और द स्टोरी इसने उन दोनों की कहानी सुनी दोनों के मुंह से उसने कहानी सुनी जो प्रंस था सूर्या सिंह उसने भी कहानी सुनाई और ट्रैवलर ने भी लिव द हॉर्स विथ मी ही सेट टमारो आई विल गिव इट टू हिट्स ओनर ये आप घोड़ा आप यहाँ ही छोड़ो कल मैं उस घोड़े को उसके मालिक के हवाले कर दूँगा जिसका घोड़ा होगा उसी के हवाले कर दूंगा आज आप इसको यहाँ ही छोड़ दो आफ्टर बोथ द मैन है लेफ्ट जब ये दोनों चले गए बीरबल टोल्ड हिज सर्वेंट टू तो टेक दार्स फॉलो द टू एट डिस्टेंस दे दे बीरबल ने अपने नौकर से कहा अपने सर्वेंट से कहा आप इस घोड़े को ले जाओ और थोड़ी दूर तक इनके पीछे पीछे जाओ फिर घोड़े को आज़ाद छोड़ना एंड देन फ्री द एनिमल एंड सी विच वन आप द टू इट फॉलोड इन दोनों में से किसके पीछे ये जाइएगा किस को फॉलो करेगा आफ्टरवर्ड्स उसके बाद क्या करना ही ब्रिंग टू इट बैक एंड पुट फिर इस घोड़े को ये जो एनिमल है ये घोड़ा है इसको लाना और इस तबल में डालना इसको जहाँ पे इसी के रंग के और इसी के साइज़ के घोड़े होंगे मतलब जहाँ इस घोड़े जैसे और बहुत सारे रंग के घोड़े होंगे और इसी के साइज़ के बराबर जो घोड़े होंगे वहाँ पर ही इसको डालना बिल्कुल सेम सेम द नेक्स डे बीर कॉल्ड सूर्या सिंह एंड द ट्रावलर And the traveler and took them to the टू दिस स्टेबल दूसरे दिन क्या कहता है बीरबल कहता है सूर्य सिंह को और ट्रैवलर को कि आप दोनों स्टेबल में जाओ जहाँ पे घोड़े होते हैं स्टेबल में आप जाओ दियर वायर अबाउट आप वहाँ पे बहुत सारे घोड़े होते हैं उसी साइज़ के उसी कलर के बहुत सारे घोड़े थे आप वहाँ ही जाओ योर हार्स इज यर वहाँ ही आपका भी घोड़ा है इन दोनों से कहता है कि जिसका होगा वो खुद ही पहचान थैंक यू